भोपाल में हरियाणा की मशहूर स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सपना चौधरी ने कहा कि नेता और अभिनेता सिर्फ गाली खाने के लिए बने हैं। मीडिया से बातचीत में जब उनसे लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में आने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पास भी ये खबरें उड़ती उड़ती ही आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नेता और अभिनेता सिर्फ गाली खाने के लिए ही बना है, चाहे कुछ भी कर लो अंत में गाली ही मिलती है। उन्होंने कहा, एक नेता एक एमएलए कितना काम करता है, लेकिन 5 साल बाद जनता उन्हें सजा देते हैं और कहती है कुछ नहीं किया। सपना ने कहा, राजनीति में फिलहाल नहीं आऊंगी, अभी वो अपने काम में बहुत खुश हैं। दरअसल राजधानी के एक निजी गार्डन में सपना के डांस कार्यक्रम होना है, जिसके चलते वो शहर में आई हुई हैं। हर इंसान अपने अपने जगह बिल्कुल ठीक होता है, तो हम किसी भी इंसान के काम पे उंगली नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में जितने भी नेता होते हैं, नेता और अभिनेता सिर्फ गाली खाने के लिए बने। आप कुछ भी कर लीजिए, उनको लास्ट में गाली खाने। नेता इतना काम करता है, पता, एक एमएलए लड़ झगड़ कर सड़कें बनवाता है, पता नहीं क्या क्या काम करवाता है, आखिरी में पब्लिक उसको क्या सलाह देती है। 5 साल बीत गए, कुछ काम नहीं किया, लेकिन उनको यह नहीं पता कि किस तरीके से उसने बेचारे ने एक सड़क भी किस तरीके से बनवाई है। तो मैं पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करने वाली, मैं मेरे काम में बहुत ज्यादा खुश हूँ।